हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह है हमारा लेक्चर नंबर 3। हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में जाना कि खाज और खुजली क्या होती है और इसके जो आयुर्वेदिक उपचार हैं उनके बारे में जाना। अभी तीसरे लेक्चर में हम जानेंगे कि खाज खुजली यानी कि एलर्जी, एलर्जी के अंदर फोड़े फुंसी भी आ जाते हैं, तो इनके घरेलू उपचार क्या हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले उपचार है करंज का तेल। अगर आपको नहीं पता कि करंज क्या होता है तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यह हल्के गुलाबी रंग के फूल होते हैं और करंज का तेल आर्टिफिशियल भी बाज़ार में मिल जाता है। करंज का तेल लगाने से खाज, खुजली, फोड़े, धारदार शस्त्र के घाव, दाद और अन्य त्वचा रोगों में लाभ होता है। उसके बाद इसका दूसरा घरेलू उपचार हो सकता है ताड़ के पके फल के गूदे को त्वचा पर लेप की तरह इस्तेमाल करने से भी हमारी त्वचा के बहुत से रोग खत्म हो जाते हैं। इसके फल कुछ सेब की तरह दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है हमारा तीसरा उपचार, जिसमें अरंड की जड़ का काढ़ा पीने से त्वचा के रोगों में लाभ होता है। लाइलाज घाव व फोड़ों पर इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से लाभ होता है। ऐसा करने से आपके फोड़े और फुंसी जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। आप इसके पत्तों को तस्वीर में भी देख सकते हैं, और अगर आपके पास इसका पौधा नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। यह फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे भी अवेलेबल होता है। उसके बाद आता है इसका चौथा इलाज, जिसमें खुजली व फुंसियों पर नारंगी के छिलकों को रगड़ने से लाभ होता है। फिर उसके बाद आता है पाँचवा उपचार, जिसमें वसंत ऋतु यानी कि मार्च और अप्रैल में अंगूर की डाली काटने से एक प्रकार का मद यानी कि एक लिक्विड निकलता है, जिसको त्वचा पर लगाने से हर प्रकार का त्वचा रोग ठीक हो सकता है। उसके बाद छठा उपचार आता है नारियल का चोया, यानी कि जब हम नारियल को पीसते हैं तो उसका बूरा बन जाता है, उसको लगाने से हर प्रकार का त्वचा रोग ठीक हो जाता है। उसके बाद सातवें उपचार में करोमाना को सिरके में मिलाकर लेप करने से खुजली, सिर की गंज, दाद, फोड़े, फुंसी और चेहरे के दाग तथा झाइयाँ ठीक हो सकती हैं। अगर बात करें करोमाना की तो यह एक यूनानी नेम है और यह एक प्रकार का फल होता है। उसके बाद आठवें नंबर पर आता है अमीबेल यानी कि अमरबेल। अमरबेल को पीसकर खुजली पर लेप करने से लाभ होता है। अमरबेल हमेशा ताजी ही पीसनी चाहिए, क्योंकि सूखने के बाद इसका रस भी साथ में सूख जाता है। उसके बाद आता है नौवां उपचार, जिसमें नींबू का रस लगाने से दाद, खाज, त्वचा के काले धब्बे, गंजापन आदि त्वचा रोग ठीक होते हैं। नींबू को काटकर रसदार भाग को त्वचा पर रगड़ने से त्वचा रोगों में लाभ होता है, क्योंकि नींबू हमारी डेड स्किन को बाहर निकाल देता है। उसके बाद दसवें उपचार की बात करें तो जिसमें गुनगुने पानी में फिटकरी घोलकर प्रतिदिन स्नान करने से खुजली में लाभ होता है। और इसके बाद ग्यारहवें उपचार में महुआ के तेल को खुजली पर लगाने से खुजली की समस्या कम हो जाती है। फिर आता है इसका बारहवां उपचार, जिसके अंदर गंधक को सरसों के तेल में घोलकर मलने से खाज, खुजली, फोड़े फुंसी आदि में आराम होता है, और गंधक आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। उसके बाद तेरहवां उपचार है लिसोड़ा की छाल को पीसकर लेप करने से खुजली में लाभ होता है। उसके बाद इसके चौदहवें उपचार के अंदर जिनको दाद, खाज, खुजली, फोड़े फुंसी आदि रोग बार बार होते हैं, उन्हें 30 ग्राम शहद को 60 ml पानी में मिलाकर हर रोज प्रातः सूर्योदय से 1 घंटा पहले 4 से 6 महीने तक देने से सदैव के लिए रोगों से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद इसके 15वां इलाज मुरवा से होता है। मुरवा यानी कि ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी के पत्तों को पीसकर लेप करने से पानी व न पानी वाली फुंसियाँ तथा खुजली में आराम मिल जाता है। उसके बाद आप तस्वीर में भी मुरवा के पत्तों को देख सकते हैं, और जो ये साइड में है इसको ब्लैकबेरी बोलते हैं। उसके बाद आता है इसका 16वां उपचार, पूरे शरीर में खुजली या किसी एक स्थान पर खुजली हो तो शहद का लेप करने से लाभ होता है। उसके बाद आता है इसका 17वां उपचार, जिसके अंदर अमलतास की जड़, फूल, फल, छाल या पत्तों को पानी में पीसकर दाद, खुजली व अन्य त्वचा रोगों में लेप करने से आराम होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं।
अगर आपको अमलदास का पौधा नहीं पता तो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। उसके बाद 18वां आता है पीपल की छाल का कवात। अब जानते हैं कि कवात क्या होता है। छाल को 16 गुना पानी के साथ धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाने के बाद प्राप्त किया गया काढ़ा होता है। उसको बनाकर पीने से आराम होता है। उसके बाद इसका 19वां उपचार है 10 ग्राम हल्दी को 100 ml गौमूत्र के साथ लेने से खसरा व प्राइवेट पार्ट की खुजली यानी कि एलर्जी ठीक हो जाती है। इसके अगले उपचार में शुद्ध गंधक 0.5 ग्राम को 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण के साथ मिलाकर प्रतिदिन सुबह लेने से 15-20 दिनों में ही खुजली ठीक हो जाती है। अगर आपको त्रिफला चूर्ण और शुद्ध गंधक का नहीं पता तो आप मेरी पुराने वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है इसका 21वां उपचार जिसमें गेहूं के आटे का ठंडा या गर्म लेप करने से त्वचा की धा, खुजली, टीसयुक्त फोड़े फुंसी और आग से जले घावों में लाभ हो जाता है। उसके बाद बात करें इसके अगले उपचार की तो उसके अंदर राई के तेल में लहसुन की कलियों को तलकर इस तेल की मालिश करने से खुजली व अन्य प्रकार के त्वचा रोगों में लाभ होता है। उसके बाद आता है इसका 23वां उपचार जिसके अंदर 50 ग्राम जीरा व 25 ग्राम सिंदूर को 400 ml कड़वे तेल में पकाकर लगाने से खुजली में लाभ होता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। उसके बाद 24वें घरेलू उपचार के अंदर 10 ग्राम कपूर, 10 ग्राम सफ़ेद कत्था और 50 ग्राम सिंदूर को कांसी के बर्तन में डालकर 100 ग्राम घी के साथ कुछ देर तक मलमल कर धोएं। यह मरहम घाव, गर्मी के छालों, शरीर की खुजली और सड़े हुए में काम आता है। उसके बाद आता है 25वां और सबसे आखिरी उपचार जिसमें सहजने की जड़ को पीसकर उसे सरसों के तेल में सिद्ध करके इस तेल की मालिश करने से कई प्रकार के त्वचा रोग, जले हुए निशान, खास खुजली, एलर्जी में लाभ होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।